राजधानी के बोवास गांव में बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से किसान पखवाड़ा का आयोजन हुआ, जिसमें बैंक के विभिन्न शाखाओं की ओर से ग्रामीण चौपालों का आयोजन हुआ। इस अवसर पर बैंक महाप्रबंधक बीआर पटेल ने हजारों किसानों को कृषि संबंधित योजनाओं की जानकारी दी और साथ ही विभिन्न शाखाओं के 40 किसानों को कृषि क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं ग्रामीण शाखाओं के 161 किसानों को 7,84,00,000 के ऋण स्वीकृत पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर ट्रैक्टर डीलर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, विभिन्न बीज कंपनियों ने भी अपनी स्टॉल्स लगाई और किसानों को योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान क्षेत्रीय प्रमुख प्रदीप कुमार बाफना, महेंद्र सिंह महनोत, उपंचल प्रमुख योगेश अग्रवाल, विवेक सिंघल, सीपी अग्रवाल, भगवान सहाय, जिला प्रबंधक एस के गुप्ता मौजूद रहे। अग्रणी बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा गत वर्ष से वर्ल्ड फूड डे जो 16 अक्टूबर को होता है, ये मुख्यतः हमारे जो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं वो फार्मर्स को हम लोग थैंक्स करते हैं, आभार मानते हैं, क्योंकि वो पूरे हमारे अन्नदाता है। उसको ध्यान में रखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा गत वर्ष से 1 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक बड़ौदा किसान पखवाड़ा मना रहा है और ये कार्यक्रम में हम लोग हमारे जो खेडूत बंधु है जो हमारी बैंक से जुड़े हैं और जो स्तर में हम कार्यरत है वो स्तर के अन्य खेडूत बंधु जो है उसको संबोधित करते हैं और बैंक की जो लोन है लोन के बारे में नहीं बताते हैं, लोन से ऊपर जो ज़रूरत है वो बताते हैं। खास करके जैसे कृषि की जो समस्या होती है लोकल, तो मुख्यतः एक कृषि में दो समस्या हम लोग गिनते हैं, मूलभूत जो बातें हैं कि पर खेत मीन्स पर एकड़ हमारा जो उत्पादन है जो होना चाहिए उससे हमें अभी कम लग रहा है। दूसरा, खेत व्यवसाय में जो खेत करने की जो पद्धति है वो पद्धति में ज़रूरत है कि बदलाव।